मैं सबसे पहले मीडिया का राजस्थान की राजधानी में स्वागत करता हूं। पीठासीन अधिकारियों का ये त्रिवेशी सम्मेलन 11 और 12 जनवरी को आज संपन्न हुआ। जिस तरीके का राजस्थान शौर्य परिक्रम, भक्ति शक्ति की संकल्पों की धरती है, उसी तरीके का ये दो दिन का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए परिप्रेक्ष्य में बदलते समय हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई निर्णय किए, कई फैसले किए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जवाबदेही हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जन आम आदमी का विश्वास भरोसा बढ़े और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से शासन प्रशासन में जवाबदेही पारदर्शी आए। इसके लिए दो दिन के मंथन में विशेष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने 9 संकल्प 9 प्रस्ताव भी लिए हैं और कुछ पुराने प्रस्तावों को हम चर्चा करकर उनको एक निश्चित समय अवधि पर पूरा करने के संकल्प को भी हमने किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया। समापन महामहिम राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी ने किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यसभा में उपसभापति हरवंश जी और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो इस सम्मेलन के उपसभापति के रूप में ये संपन्न हुआ, मैंने उन सारे प्रस्तावों को आपको भेजा है। मैं उसकी समरी बता देता हूं। G20 का सौभाग्य भारत को मिला है। G20 के साथ P20 जो पार्लियामेंट के संसद के अध्यक्ष होते हैं उनका सम्मेलन होता है, हमें ये अवसर है कि हम भारत लोकतंत्र की जननी है, हमारा लोक प्राचीनतम है और किस तरीके से हमने इस लोकतंत्र की यात्रा के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया है और आज भी हम कह सकते हैं कि इतनी विशालता इतनी विविधता वाला बहुदलीय लोकतंत्र भारत के अंदर है जिसके प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। लगातार विधानसभाओं लोकसभाओं के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा है। इसी तरीके से हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी हमारे नियम प्रक्रियाओं कार्य पद्धतियों के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नियम प्रक्रियाओं में एकरूपता हो, क्योंकि सभी विधानमंडलों की स्वायत्तता है, उनको नियम प्रक्रियाएं संचालन करने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं में है, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल संसद होने के कारण उसका दायित्व बनता है कि सभी विधानसभाओं के अच्छे कानून प्रक्रिया नियमों परंपराओं परपाटियों को शामिल करते हुए एक मॉडल बायलॉज नियम प्रक्रिया का बनाएगा
और सभी राज्य विधानसभाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करके, उनकी नियम प्रक्रिया समिति से चर्चा करके उनको एडॉप्ट करने का काम करेंगे। इसी तरीके से जो लगातार सदनों में शालीनता गरिमा कम होती जा रही है, नियोजित तरीके से सदन हो, संसद हो, विधानसभा हो, उनको स्थगित किया जाता है। हमने संकल्प लिया है, प्रस्ताव लिया है कि सभी विधानमंडल अपने अपने राज्यों के अंदर और केंद्रीय विधानमंडल केंद्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर ये अपेक्षा करेगा कि प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद कोई विषय हो तो चर्चा करें, लेकिन सदन स्थगित नहीं हो, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, ताकि हम एक बेहतर परिणाम निकाल सकें। इसी के साथ कार्य की उत्पादकता, जवाबदेही, उसके विषय में भी हमने व्यापक चर्चा की है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सदन के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि मर्यादित आचरण करें, चर्चा संवाद उच्च कोटि की हो। इसके लिए हमने सभी राज्यों की विधानसभाएं और लोकसभा ने मिलकर अपने अपने राज्यों के अंदर, केंद्र ने भी एक रिसर्च विंग बनाई है, ताकि हम आपस में उन रिसर्चों को, उन इनोवेशन को आदान प्रदान कर सकें, ताकि हम जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, उनको बोलने का उनको मटेरियल दे सकें। और इसी के साथ एक विधायी, एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया है। कई राज्यों की विधानसभाओं ने अपने पुरानी डिबेटों चर्चाओं को भी डिजिटलाइजेशन किया है। अब आने वाले समय के अंदर एक निश्चित समय में केंद्र विधानमंडल और राज्य विधानमंडल एक प्लेटफॉर्म पाएंगे, जिस पे हर डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगी, और जहां पर उन्होंने ऑनलाइन कर रखा होगा उसको चाहे अलग अलग सिस्टम से, कई यूट्यूब से, कई टीवी चैनल से, तो एक प्लेटफॉर्म पर सबको ऑनलाइन लाइव भी डिबेट चर्चा नजर आएगी। इसी के साथ साथ जो पूर्व में उपराष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की कि हम सबका मानना है कि विधायी सर्वोच्च है, कानून बनाने का अधिकार उनको है, जनता उनको चुनकर भेजती है, जनता में विधायी के प्रति विश्वास है। इसलिए जब संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, तो हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका का सम्मान, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए हमारी ये अपेक्षा है कि वह संवैधानिक सीमाओं का और परंपराओं का सम्मान करें, ताकि सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र अधिकार में काम कर और आपसी सामंजस्य से एक बेहतर काम कर सके। संसदीय समितियों के बारे में भी बड़ी चर्चा हुई और पीठासीन अधिकारियों का मत था कि संसदीय समितियों को और सुदृढ़ किया जाए और मजबूत किया जाए। जो संसदीय समितियों में चर्चा होती है दल से ऊपर उठकर होती है, इसलिए संसदीय समितियों की रिपोर्टों को सरकार माने, उनके सुझावों को माने, उनका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट संसद की तरह विधानसभाओं के अंदर सरकार ने क्या एग्जीक्यूशन किया, कितनी प्रतिशत सिफारिशें मानी, इसका भी आकलन और समीक्षा लगातार होगी। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों का मत है कि संसदीय समिति की रिपोर्टों पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए, जो संसदीय समिति की रिपोर्ट टेबल हो चुकी हो, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस दिशा के अंदर भी कार्रवाई होगी और संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर भी
व्यापक रूप से चर्चा होगी। इसी के साथ हमारी कोशिश है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों विधानसभाएं या लोकसभा में बेहतर हो, इसके लिए हमने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जितनी भी बेहतर रिसर्च है, पुरानी डिबेट हैं, पुरानी चर्चा हैं, पार्लियामेंट की 1929 से अभी तक, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। मेटा डेटा प्लेटफॉर्म पर आप किसी के नाम से, किसी के सब्जेक्ट से कभी भी कोई भी डिबेट को देख सकते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जो संसद में हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण जो संसद में हुए हैं, उनका भी हमने एक बुक्स बनाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बुक का विमोचन यहां हुआ है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं के अंदर हम एक बुक निकाल रहे हैं जो आज तक उनके भाषण संसद में हुए हैं। इससे एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल कर आई कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, इनके प्रति लोगों की सक्रियता बढ़े, आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े, क्योंकि यही संस्था है जो लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए काम कर रही है, कानून बनाने का काम कर रही है। इसलिए आम जनता, चाहे नौजवान हो, विद्यार्थी हो, स्कूल कॉलेज के अंदर संविधान को जाने, संसद विधानमंडलों की कार्रवाई में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, कानून में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, उसके लिए युवा और महिलाओं के अंदर विशेष रूप से अलग अलग राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधानमंडल, सभी प्रदेशों के अंदर, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, स्कूलों जो कॉलेजों के अंदर संगोष्ठी, सेमिनार, युवा संसद, इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके पीछे का हमारा मकसद है कि डेमोक्रेसी के प्रति एजुकेटेड हो, किस संस्था की क्या जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित हो। इसी के साथ चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगर पालिका हो, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सदन की कार्रवाई कैसे चले, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक मॉडल बायलॉज बनाया है, सभी राज्य की विधानसभाओं को भेजे हैं। अब राज्य की विधानसभाएं अपनी राज्य सरकार से चर्चा कर उन सदनों के अंदर, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनके अंदर भी सदन व्यवस्थित तरीके से चले, वहां भी अच्छी चर्चा हो, डिबेट हो, विषयों पर चर्चा हो और एक बेहतर परिणाम निकले। तो चुनी हुई जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अगर में बेहतर डिबेट होगी, चर्चा होगी, समस्याएं, अभाव, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर चर्चा होगी, तो बेहतर परिणाम होगा और कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय होगी। इसीलिए संसद, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह समय समय पर राज्य के विधानमंडलों से चर्चा कर एक बेहतर संवैधानिक संस्थाएं, उत्कृष्ट संस्थाएं और परिणाम देने वाली संस्थाओं के रूप में जो कुछ भी नियमों प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है, उसके लिए सभी विधानसभाओं ने सहमति दिए। मुझे आशा है कि जयपुर में होने वाला पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक बेंचमार्क होगा और जो इसमें फैसले लिए या जो फैसले निर्णय लिए हैं, उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए समय समय पर केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इन निर्णयों फैसलों को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करेगा। मैं राजस्थान के अंदर दो दिन के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक बेहतर तरीके का इंतजाम किया, उसके लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।